देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने ये खोया ले लिया है, और ये हमने ले लिया है बूरा, और इधर हमने ले लिया है ये तिल। ये तिल को मैंने रोस्ट कर लिया है, अब ये ठंडे हो गए हैं तो इन्हें हम आधा पीसेंगे और आधा साबुत रखेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से बिल्कुल लाइट तिलों को भूंज लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं तिलों को अच्छे से पीस लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इतना ही हमें इसे पीसना है, ज़्यादा नहीं पीसना, वरना ये मतलब इसमें से ऑयल निकलने लग जाएगा। तो इस तरीके से हमें पीस लेना है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स खोया है, ये घर का बना हुआ खोया है, तो इसको भी हम थोड़ा भूंज लेंगे। उसके बाद में हम इसमें तिल का जो हमने पाउडर बनाया है वो ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए किस तरीके से खोए ने जो है घी कितना छोड़ा है, क्योंकि ये घर का बना हुआ खोया है ना, तो इसमें घी बहुत ही ज़्यादा निकल रहा है। इसलिए तो मैंने इसमें कोई भी घी वगैरह ऐड नहीं किया है। इसमें ऑलरेडी इतना घी है कि हमें कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसको अच्छे से भूंज लेंगे, उसके बाद मिलते हैं आपसे। A few moments later। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा खोया बिल्कुल भून चुका है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा खोया यहाँ पे रेडी है, हमने भून लिया इसे अच्छे से। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। देखिए फ्रेंड्स, खोया ठंडा हो चुका है, और अब हम इसमें ये बूरा डाल देंगे। अपने मीठे के हिसाब से आप डालिए, क्योंकि जैसा आपको मीठा पसंद हो। आप कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, और इसको अच्छे तरीके से चला लेंगे। खोया ठंडा हो जाने के बाद में आप पूरा डालें। तो चलिए हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। कि हमने यहाँ पे पिसे हुए तिल भी ऐड कर दिए थे, और हम ये वाले तिल भी ऐड कर देंगे इसमें, जो हमने साबुत छोड़े हैं। फ्रेंड्स, हम इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को मिला लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू यहाँ बनके तैयार हैं।